तो यहाँ पर पापा और चियो सुबह सुबह हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। चियो, ये हमारा घर। ऐसे ही फोर चले गया वो। कम ऑन नक्टू, सिक्स। ओ तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने घर उज्जैन, वो भी 8 साल के बाद। कल हमारा जो डे वन था, हमने थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड किया, घर में थे, खाया पिया, रेस्ट किया। आज डे टू है, तो आज मैं चियो को अपने साथ अपने कॉलेज लेके जा रही हूँ, कॉलेज दिखाने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं MIT। तो आज हम पूरा दिन लीजर डे इंजॉय करेंगे, फिर वहाँ से वापस घर आएंगे। शाम में हम लोग जाएंगे मार्केट फ्रीगंज में, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करवानी भी है, हुआ तो श्री गंगा में डिनर करेंगे, फिर घर जाएंगे। अभी तक तो ऐसा प्लान है, जैसा भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगा। तो आप हमारा ये ब्लॉग एंड तक देखिए, ठीक है? तो कहीं जाइए मत। कॉलेज को जाती है, इतनी अच्छी बन गई। पहले सिर्फ सिंगल लेन था ये वाला, इतना सा। जब हमारी बस में सुटाती थी ना, तो जहाँ से हमने अभी लेफ्ट टर्न लिया ना, वहां से हम कॉलेज तक पैदल जा रहे थे। पुरानी यादें। ये मेन MIT है, ये MIT है, फार्मेसी है, यहाँ से लेफ्ट है, और ये मेरा कॉलेज का एंट्रेंस है। तो हम आ गए हैं नक्टू के कॉलेज। देखो कितनी हैप्पी हो गई है वो। सालों बाद, कितने साल बाद आई तुम? 9 साल बाद आई हो। हाँ, ये ओपन ऑडी। अच्छा, मजे, नॉस्टैल्जिक वाली फील आ रही होगी ना। तो तो ये नहीं, मेरी कॉलेज की बस है। ये पूरा ना ग्राउंड था, हम यहाँ पर लाइक क्रिकेट वगैरह की प्रैक्टिस करना, सारे स्पोर्ट्स हमारे यहाँ आते थे। और जो कितने बड़े बड़े मतलब घास हो गए यहाँ पर, तो कितनी सारी बसेस है हमारे यहाँ। ये जो बिल्डिंग दिख रही है सामने वाली, ये वाली बिल्डिंग है बॉयज हॉस्टल की। जो बॉयज हॉस्टल में तुमको सबसे ज्यादा रैगिंग होती थी। ये जो है ना, ये मंदिर बना है यहाँ पर, और अभी हम जाएंगे ये रूट से लेफ्ट। ये MIT कॉलेज है, वो भी वर्कशॉप है। ये MIT कॉलेज, एक MIT है, MITS, MITM, एक मैनेजमेंट, एक साइंस और एक MIT। ये पूरा कैंपस के बाहर वाला एरिया है, और ये बहुत अच्छा बना दिया है अभी तो। पहले कुछ नहीं था यहाँ पर, पूरा जंगल था, ये रोड भी नहीं था यहाँ पे सही से। तो अभी हम जा रहे हैं कोठी महल। चियो को MIT कैंपस में दिखा चुकी हूँ, को बड़ा पसंद आया चियो को, और अब देखते हैं आगे हम और कहाँ जाते हैं शाम तक। तो ये है कोठी महल। कितने साल पुरानी है? राजा विक्रमादित्य के टाइम की कोठी है। अभी हम लोगों ने देखा कोठी महल। एक्चुअली वो कोठी महल जो है ना, वहाँ पर गवर्नमेंट जो भी काम होते हैं, जैसे RTO ऑफिस होते हैं ना, वैसे कोठी महल में सारे गवर्नमेंट काम होते हैं। तो वो बहुत पुरानी है, राजा महाराजा के टाइम की कोठी है। तो उसको फिर वैसा कोठी कंटिन्यू रख के उसको महल, कोठी महल के अंदर वैसा काम हो रहा है जो गवर्नमेंट वाला काम रहता है। तो उसका नाम चेंज नहीं किया, उसका नाम एज इट इज रखा। तो अभी जैसे नक्टू मुझे गाइड कर रही है सब चीज़ों के लिए, तो अभी यहाँ पे एक गार्डन है, वहाँ पे बहुत प्यारा सा मोर है, और अभी इसीलिए हम रुके कि चलो एक बार आप लोगों को भी दिखा दें। इतनी प्यारी आवाज़ है ना उसकी, मैं बोलूँ, मैं जनरली बताऊँ, ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने मोर की आवाज़ सुनी है। बिकॉज अपने यहाँ पे कभी ऐसा मौका नहीं पड़ता कि मोर को देखो, देखने तो मिल जाते हैं बट आवाज़ सुनने का बहुत कम होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ से दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं, बट मैं इस वीडियो को जूम करके तो दिखा दूँगा आपको। यहाँ पे एक अच्छी चीज क्या पता है, जो रोड है ना उसके बाजू में ऐसे बेंचेस बने हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे चियो शॉपिंग करने लगा है बिल्कुल। ये ना है क्रिश गिफ्ट शॉप पे हम लोग आए हैं, हमने भी 2 गॉगल भी लिए, मैं वो घर जाके आपको बताऊंगी। अभी हम परफ्यूम देख रहे हैं, ये बहुत बहुत ही जबरदस्त गिफ्ट गैलरी है, ये फ्रीगंज में है।
चीव को ये वाला परफ्यूम ज्यादा पसंद है। अच्छा है अब चीव ने गिफ्ट गैलरी में एंट्री मारी है, देखते क्या क्या शॉप करते हैं। ये वाला हमारे पास भी कब सिक्स ये कब देखो मिनियन कितने क्यूट है दोनों। तो ये चाय की जो घूमती है यहाँ पे मैंने और चीव ने चाय पी है और चाय अच्छी बनाई थी अंकल ने, सिर्फ 10 रुपए में हम दोनों ने चाय पी ली। और अभी मैंने चीव को पूरा घुमा दिया है 3 बत्ती पूरा, मैंने अपना हॉस्टल भी दिखा दिया है। अब अंकल को हमें पेमेंट करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे अब सीधा घर। ये कालिदास अकेडमी वाला चौक है उज्जैन का, चीव को बड़ा पसंद आया ये आर्ट, बहुत अच्छा बनाया है। तो ये चीव ने लिया है गॉगल। कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा है गॉगल, पसंद आया मुझे। एक्चुअली बहुत दिन हो गए गॉगल चेंज नहीं किए, तो वही पुराने गॉगल्स आप देख रहे हो, मोटा सा एक ग्लास वाला गॉगल था, फिर वो ट्रांसपेरेंट रेड कलर वाला गॉगल था, मतलब कि कुछ और हटके क्यों ना कलरफुल लिया जाए इस बार। एक्चुअली गॉगल से ज्यादा तुम्हें सूट कर रहा है इसलिए वो गॉगल ज्यादा अच्छा दिख रहा है। डैपर लग रहा हूं ना मैं? हां बिल्कुल डैपर लग रहा, सामने से दिख रहा है। हीरोगिरी हमारे रग रग में है, वैसे ऐसे ऐसे कीड़ा दौड़ता है, बीच बीच में आता है, उसको भी संभालना पड़ता है साथ में, इसलिए छोटी मोटी ऐसी हरकतें करनी पड़ती है ताकि वो कीड़ा जो है ना वो थोड़ा शांत हो जाए। अभी हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि शाम में फिर से हमें निकलना है चीव की शॉपिंग के लिए, फिर से मजे ही मजे चीव के। तो जो शॉपिंग हुई ना बस नट्टू ने ऐसे ही टेम्पररी करा दी थी कि चलो गए मार्केट में तो ले लो, अब जो शॉपिंग होगी ना वो शॉपिंग मेरे इन-लॉज की तरफ से है, तो उसकी भर भर के अच्छे से शॉपिंग होने वाली है शाम में, अगर जाते हैं तो आपको भी देखने मिल जाएगा। तो आज हमारा डे वन था घूमने का, तो उसमें हमने MIT कैंपस देख लिया, MIT कैंपस के हमने कोठी देख लिया, कोठी के बाद हमने थोड़ा सा फोटोग्राफी कर ली जो आपने अभी तक देख ली होगी, और उसके बाद फिर हम लोग फ्रीगन चले गए। मैंने अपना पुराना वाला हॉस्टल भी चीव को दिखाया, टावर भी दिखाया, टावर एक बार अच्छे से दिखाया नहीं, वहाँ तक गए नहीं थे हम, 3 बत्ती तक गए, वहाँ हमने चाय पी, चाय पीने के बाद हमने क्रिश वाले फ्रीगंज में शॉपिंग की, फिर वहाँ से हम घर जा रहे हैं। उतना अभी आपने देख लिया है, अभी हम शाम में फिर से जाएंगे लेकिन फ्रीगंज तक नहीं जाएंगे, हम सीधे विशाल मेगा मार्ट जाएंगे, देखते हैं विशाल में चीव के लिए क्या पसंद आता है चीव को, तो जो भी काफी वो दिखाते हैं आपको। घर जाते थोड़ी देर मम्मी पापा से बात करते हैं फिर शाम में निकल।